में ज्यादा आते हैं। बात दूर तक नजर है, ये सब चित्र के पत्थर है, लंगर भी पड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे लग देखो कहाँ उतर गया रे, मैंने दिख रहा है वो है रडार, देखो मंदिर का भी ऊपर दादा के सामने ये कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही होगी आपको, सवेरे गांधीधाम से चले थे अंजार होते हुए भुज होते हुए, अब यहाँ से लगभग तकरीबन 110 किलोमीटर है माता का मठ, और इसके बाद में हाजीपीर और कोटेश्वर जाएंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिए, और जो वीडियो में नए नए जुड़े हो, मेरे चैनल पर नए नए जुड़े हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। ठीक है, ढाबा देख रहे हो मुरलीधर होटल, तो यहाँ क्या है कि छोटे ढाबे पर चाय बढ़िया मिलती है और चाय पीने में थोड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ छोटे 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 मंदिर भी मिलते हैं, तो चलते हैं अभी आगे नेक्स्ट तैयारी करने के लिए। भाई मावा बना रहा है, एक दिखा ना थोड़ा सा, वो मावा बना रहा है। ये बाबू सो गया है, ये कुछ यहाँ थोड़ा पहाड़ी इलाका है, अब साइड व्यू के अंदर तो थोड़ा कम ही नजर आ रहा होगा पहाड़ वगैरह, और वैसे भी डिप भी कैमरे के अंदर कवर नहीं होती है, क्योंकि सड़क ऊपर नहीं चलती है। आपने अभी ये वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, तो एक बार तो मैंने अपलोड कर दिया था लगभग, तो अभी इस वीडियो को आने में 2-4 दिन और लेट हो जाएगा, एडिटिंग में थोड़ा समय लगेगा, तो देरी के लिए तो मैं आपको आपसे पहले ही माफी मांग चुका हूँ। कि आप जो भी है जैसा भी है आपको ये आपने देखा होगा ना, ये धार्मिक गुल्स मिल रहा था, तो उसकी तस्वीरें भी कैद हुई। तो वैसा भी है मत कराना, बता हुआ है गांधीधाम में मांडवी है या कुछ जो टाउन्स है, जो सिटीज है, जैसे भूज है, तो उनके बाद में तो ये नौकराना बड़ी बड़ी टाउन है, सिटी भी आप नहीं बोल सकते, तो गांव भी इसमें टाउन ही है। जैसे विलायत में तो ऐसी सिटी ही होती है, वैसे मेट्रो सिटी तो यहाँ गुजरात कच्छ इलाके में तो कोई मेट्रो सिटी है नहीं, तो आप ऐसे कह सकते हो कि भूज एक मेट्रो सिटी है। आप वीडियो में देख रहे हो कि सब हिली रोड ही है, या तो समुद्र है या कच्छ का रण है। इधर बहुत से धार्मिक स्थल है, हर 2-3 किलोमीटर में एक छोटा सा मंदिर जरूर दिखता है, सारे उसका आप भी कह सकते हो। ये माता का मठ का इलाका है, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये पहाड़ी, ये माता के मठ की ही पहाड़ी है,
बहुत सुंदर पहाड़ी। अब आप देख रहे हो इसमें क्या है, कैमरे में डिप नजर नहीं आ रहा है, बाकी ये है पूरा पथरीला इलाका, पहाड़ी इलाका, हिली रोड ही है ये। डबल लाइन हाईवे ही है ये। वैसे इस रोड पर तो वैसे भारी वाहन तो आने जाने नहीं, ये जो सीधा वो माता की मठ की रोड बन रही है इसकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आज तो नहीं जा पाएंगे, तो पहले आते वक्त इधर रुकते रहेंगे, तो सीधा कोटेश्वरी चलते हैं। तो यहाँ से तकरीबन कोटेश्वर 45 किलोमीटर है, 45-50 किलोमीटर लगभग होगा, 55 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो फिर इस व्यू का मज़ा नहीं आएगा, वैसे मैंने एडिट करके व्यू वही डाले हैं जो होने चाहिए, वही डालने की कोशिश करूँगा मैं, हालांकि मैं जो बोलूँगा वो आवाज़ कट जाएगी। यहाँ साइड में पहाड़ी का इलाके में कुछ गुफाएं हैं, तो कभी फुर्सत में आएंगे तो हम देखने चलेंगे वहाँ पर, बहुत सी कंदराएं हैं, कहते हैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार साल पुरानी है कंदराएं। बोल के झाड़ियाँ तो ये तो लगभग सूखा इलाका ही कहलाता है, कहीं कहीं पर है ट्यूबवेल की खेती, अमुक अमुक जगह है ये, क्या फॉरेस्ट इलाका है या फिर नहीं कह सकते हो आप, यहाँ पर शिकार करना मना है। यहाँ के गांव भी आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ लगभग हाईटेक गांव ही है, ऐसा गांव जैसा कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, गांव भी सिटी नज़र आएगी आपको, ऐसी बिल्डिंगें मिलेगी आपको। यह तो आपको यूके या रशिया में ऐसे गांव मिलेंगे, या फिर ये गुजरात में ऐसे गांव मिलेंगे। ये जो डंपर चल रहा है ये आगे लिग्नाइट की खान है, वहाँ से ये लिग्नाइट कोयला लेके आती है, सारे ये डंपर जो आगे चल रहा है आप देखिए। आज ये फेस्टिवल का दिन होने के कारण में थोड़े बाजार में थोड़ी बहुत भीड़ तो है ही है, इतनी भीड़ तो नहीं है जितनी होनी चाहिए, अभी फिलहाल क्या इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मंदी का दौर है, काम धंधा लोगों का ठप है, कीमतें आसमान छुई हुई है, तो अभी उतना लोगों के पास में परचेज का पैसा नहीं है, समय तो बहुत है पर पैसा नहीं है, तो लोगों की परचेजिंग पावर अभी फिलहाल ख़त्म जैसी है।
कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत सेविंग करके एक दो जगह महीने में एक आध दो जगह कहीं घूम के आ जाते हैं, मतलब मनोरंजन कर देते हैं। तो मैं तो यही रहता हूँ कि जहाँ मैं थोड़ा मनोरंजन करूँ तो साथ में आपको भी ये चलूँगा, दिखाने की कोशिश करूँ, तो मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय करें। शायद कैमरे में तो नज़र नहीं आ रही होगी, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पवन शक्तियाँ लगी हुई है। चलो यहाँ थोड़ा बहुत और सवेरे से चले हैं, पिछले 4-5 घंटे से चल रहा हूँ। हाँ भाई, खाना ना खा ले क्या करें। रील रील बनाने में आसानी रहे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करके निकल लिए हैं। यहाँ से अभी भी लगभग 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर के लगभग कोटेश्वर है, यार गजब का व्यू है, देखते ही बनता है। अब ये इतने डीप है, इतने डीप है, लगभग 30-35 डिग्री डीप है, गजब। और आपको ये कैमरे में महसूस नहीं हो रही होगी, तो सामने वाला और ये पीछे वाली रोड से ये लगभग लगभग 10 मीटर 15 मीटर गहरा है। ये टॉप गियर में यहाँ गाड़ी नहीं चल रही है, और अपना ऊपर रहता रहता मजा आता है। आगे कास्ट थोड़ा छोटा है, यहाँ तो ट्रैफिक है ही नहीं, इक्के दुक्के कोई कारें और ये मोटे वाहन चल रहे। मंदिर में हूँ, चल रहा है, तो मैं आपको कुछ बाहर से नज़ारे दिखा देता हूँ। यहाँ देखो लोग सब कितने लोग बैठे हैं, यहाँ लगभग मंदिर में हवन में भाग लेने तो कम आते हैं और यहाँ पिकनिक मनाने ज़्यादा आते हैं। बाहर तो ज़्यादा तो भीड़ नहीं है दर्शन के लिए, बस मंत्रों से ज़्यादा ऐसा कोई क्राउड वाला कुछ दिक्कत वाला अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं माइक जगह जगह, तो उससे क्या है कि आवाज़ें तो जो समंदर तक सुनाई दे ही देती है मंत्रों के उच्चारण की। गजब का समुद्र दिख रहा है, दूर तक नजर फैलाओ समुद्र से। तो थोड़ा धूप ज्यादा तेज है, नहीं तो पाकिस्तान के छोटे छोटे गांव भी यहाँ से नजर आते हैं। दीवारों का आर्किटेक्ट भी गजब है, ये सब छितर के पत्थर है,
उधर माता का मंदिर है, हिंगलाज माता का, सामने हैंडीक्रैफ्ट के लिए लिफ्ट लगी हुई है, कुछ बाहर से ऐसा नजर आता है। ये सामने देखो ये हैंडीक्रैफ्ट वाले के लिए लिफ्ट है। हेलो, आपको ये यानी चढ़ पाते हैं तो ऊपर से आपको दिखाया था वही तस्वीर है इस टाइप की। तो थोड़ा घूम लेते हैं, क्यों भाई मजा आ रहा है ना। वो सामने दूर छोटी किश्ती नजर आ रही है, दूर तक समुद्र ही समुद्र है। ये छोटी नारो जेटी बनी हुई है, जगह जगह सेल्फी पॉइंट और लोगों के बैठने के लिए जगह छाँव भी बनी हुई है। चिलचिलाती धूप में तो आपको थोड़ा वाइटनेस ज़्यादा आएगी पिक्चर के अंदर, शायद आपको पिक्चर में वीडियो क्वालिटी में थोड़ा अंतर आपको पता ही चल जाएगा कि कितनी। वैसे कच्छ में तो धूप भी गर्मी पड़ती है ज्यादा, इवनिंग टाइम में घूमने का गजब का मजा आता है। देखो तो पूरा दलदल नजर आ रहा है, उतर जाए तो फंस जाए अंदर, समुद्री कचरा। और यहाँ पर खंडित मूर्तियां विसर्जन भी करने आते हैं, जब गणपति बैठता है तो वो भी विसर्जन होता है, फिर माता की जो चौकी वगैरह लगाते हैं वो भी विसर्जन करते हैं। तो वहाँ एक मूर्ति रखने का लिए पॉइंट बना रखा है, ये जितनी भी मूर्तियाँ नजर आती है सब खंडित है, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि खंडित मूर्तियों की पूजा पाठ नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ पर लाके विसर्जन करते रहते हैं। सामने नाव नजर आ रही है, उसके अंदर लंगर भी पड़े नजर आ रहे हैं, ऐसे लगता है कि दलदल में आके फंस गए। और कूलिंग वाटर के लिए भी वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी, देखो कहाँ उतर गया रे भाई, फंस जाएगा रे, निकल जा बाहर, निकल जा, लहर आ जाएगी। जगह जगह आराम करने के लिए छतरी बनी है, जो यहाँ आराम कर सकते हैं। यहाँ से तो गजब का मंदिर का व्यू नजर आ रहा है, तो बहुत लंबी नजर है। तो उधर तो सामने दिख रहा है वो है रडार, लाइट हाउस भी पहुंच सकते कुछ बाप बने हैं, कुंड बने हुए हैं, तो जो समुद्र के बढ़ती का पानी आता है ना तो इसके अंदर इकट्ठा होता है। और ये जो सामने पॉइंट बना हुआ है ये इसका नीचे की तरफ गेट है, ये पुलिस चौकी, क्योंकि ये मंदिर भारत के एकदम पश्चिम में लास्ट शोर है। यहाँ से आगे ये पाकिस्तान की सरहद ही लगी है, यहाँ ये चौकी है। पार्किंग व्यवस्था और आगे जगह तो पर्याप्त है, कितनी भी भीड़ हो जाए तो भी दिक्कत नहीं आती है यहाँ पर, क्योंकि सड़क 5-7 हज़ार पब्लिक यहाँ रह सकती है खड़ी।
समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा है। चलो चलते हैं सीधा पार्किंग में। तो जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों को भी दिखाइएगा, और एक आप देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, यूट्यूब और ट्विटर पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक थोड़ा बहुत पैसों का जरिया बन जाए, क्योंकि ये घूमना बहुत खर्चीला है, एक बार टाइम में ही आपको तो क्या करना है। फिर आज के लिए इतना ही। भाइयों और बहनों आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।